मेरे परिवारजनों, किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता से शासन चले, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी रहे। यहां मध्य प्रदेश में आज की पीढ़ी को बहुत याद नहीं होगा, लेकिन एक वो भी दिन था जब मध्य प्रदेश की पहचान देश के सबसे खस्ता हाल राज्यों में हुआ करती थी। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक एमपी में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय एमपी को कुछ भी नहीं दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आखिर मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे लगते, कोई व्यापारी यहां आने की हिम्मत कैसे करता। आपने जब हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया, तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, यहां कानून व्यवस्था को स्थापित किया। पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, यहां नई नई फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है।